इंदौर के करोल बाग में रहने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मी के यहां लाखों रुपए की चोरी हो गई। मामले की जांच करने पर पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। इस पर पीड़ित ने ही चोर की पहचान परिचित युवक के रूप में की और इसके बाद जब घर पर पुलिस ने दबिश दी तो वो नहीं मिला। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से आरोपी को पकड़ा जहां उसने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी से सोने का हार जब्त किया है जबकि चुराए गए रुपए में से आरोपी ने कुछ रुपए खर्च कर दिए थे। एसआई स्वराज डाबी के मुताबिक करोल बाग में 9 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच चोरी की वारदात हुई थी। रिटायर्ड बैंक कर्मी रविंद्र पिल्लई के यहाँ से चोर सोने का हार और अन्य जेवर कैश लेकर फरार हो गया था। वारदात के समय रविंद्र पिल्लई अपने परिवार के साथ हरिद्वार यात्रा पर थे। वहीं पुलिस ने जब फुटेज तलाशे तो रात में राजकुमार पुत्र प्राण सिंह लोधी गली से निकलते हुए दिखा। रविंद्र पिल्लई उसे पहचान गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की जहां पुलिस ने उसे सर्विलांस के आधार पर पकड़ लिया। आरोपी से अभी पूछताछ की जा रही है। यदि है रविंद्र पिल्लई, ये रिटायर्ड बैंक कर्मी है और करोल बाग में रहते हैं और ये दिनांक 9/4 को ये हरिद्वार गए हुए थे और उसके बाद में जब ये हरिद्वार से 21 अप्रैल को वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि उनके फ्लैट का ताला टूटा हुआ है और उनके अंदर अलमारी से कुछ सोने के इनका हार था और कुछ नकदी पैसे गायब हो गए थे। तो घटना पुलिस के द्वारा उस पर प्रकरण कायम किया गया और जब घटनास्थल के आसपास के फ्लैट वगैरह चेक किए गए तो उसमें एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया जो आया था और ये उनको पहचानते थे। इन्होंने बताया कि ये राजकुमार प्राण सिंह लोधी हैं और संभवतः फरियादी के द्वारा शंका जाहिर की गई कि संभवतः इसी के द्वारा चोरी की गई है और